झारखंड के जमशेदपुर के पास सरायखेला में ट्रेन हादसा हुआ। हावड़ा से मुंबई जा रही हावड़ा मुंबई मेल पटरी से उतर गई और एक मालगाड़ी से टकरा गई। ट्रेन के 18 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं और हादसे के बाद मौके पर राहत और बचाव का काम किया गया। रूट के जल्द बहाल करने की कोशिश जारी है। इस बीच इस रूट से गुजरने वाली कुछ ट्रेनों को रद्द भी किया गया है, जबकि कुछ ट्रेनों को पहले के स्टेशन पर ही रोक दिया गया है। हादसे की वजह से कुछ रूट बाधित हुए हैं, कुछ ट्रेनें रद्द की गई हैं। लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया जा रहा है और बताया ये जा रहा है कि जल्द से जल्द रूट को बहाल करने की कोशिश यहां जारी है। इस मामले पर ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी हरिवंश हमें दे रहे हैं। चक्रधरपुर डिवीजन में जो हावड़ा मुंबई जो मेल एक्सप्रेस है, वो ट्रेन जो हादसा हुआ है, जो दुर्घटनाग्रस्त हुई है, उसमें ताज़ा खबरें जो सामने आ रही है उसके मुताबिक 2 लोगों की मौत हुई है। ये दोनों लोग जो हैं वो बाथरूम में फंसे हुए थे और जिसे गैस कटर से काट के बाहर निकाला गया और जिसकी मौत की पुष्टि जो है वहाँ के जिला अधिकारी के द्वारा किया गया है। करीब 18 बॉगी जो है वो पटरी से नीचे उतरी है और दुर्घटनाग्रस्त हुई है, क्षतिग्रस्त हो गई है। करीब 20 लोग जो हैं इस दुर्घटना में घायल हुए हैं, जिनका इलाज जो है वो चाईबासा के रेलवे हॉस्पिटल में, जो चक्रधरपुर चाईबासा के चक्रधरपुर में जो रेलवे का जो हॉस्पिटल है वहाँ किया जा रहा है। साथ ही जो रेलवे के अधिकारी हैं वो पूरे सभी जो है वो राहतकर्मी अधिकारी सभी जो है वो घटनास्थल पर पहुंच गई है। घटना के संबंध में जो बताया जा रहा है कि उस रूट में पहले से ही एक मालगाड़ी का जो है बॉगी वो बेपटरी होके पड़ा हुआ था। अब जब ये हावड़ा मुंबई मेल एक्सप्रेस आती है उससे टकराती है और ये ट्रेन भी बेपटरी हो जाती है, तो जब मालगाड़ी की जो बॉगी है वो पहले से बेपटरी थी, इसकी सूचना वहाँ के अधिकारियों को होगा, तो फिर क्यों नहीं इस हावड़ा और जो मुंबई मेल एक्सप्रेस है इसको क्यों नहीं रोका गया, तो ये सारा चीज़ जो है अब जांच के दायरे में है। लगातार जो है कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि ट्रेन की दुर्घटना में वृद्धि हुई है जो पहले नहीं होता था, तो क्यों ये घटना हुई है, किस वजह से हुई है। पहले से यदि एक जो मालगाड़ी ट्रेन की बॉगी रेल थी तो फिर क्यों उस रूट से ट्रेन का परिचालन किया जा रहा था, तो इस सारे जो विषय है उस पे जो है वो जांच जो है रेलवे के अधिकारियों के द्वारा किया जाएगा और जांच के बाद पता चलेगा कि इस पूरे दुर्घटना में इस किसकी गलती है, तो किसके गलती के कारण ये फिर पहले से ट्रेन जो दुर्घटनाग्रस्त थी और उसी रूट पे फिर ट्रेन के परिचालन किसके द्वारा चलाया गया, तो ये सारा जो बिंदु है वो जांच के दायरे में है, जांच के बाद पता चलेगा। फिलहाल इस दुर्घटना में 2 लोगों की जान चली गई है और करीब 20 लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है और 18 बॉगी जो है वो इस हावड़ा मुंबई मेल की जो बॉगी है वो बेपटरी हो गई है और पर काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गई है, तो पूरे मामले की अब जांच के बाद अधिकारियों के द्वारा पता चलेगा कि किसकी गलती है और कौन इसमें दोषी है।